हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पिंचिंग के बारे में बताऊंगी कि पिंचिंग करते क्यों हैं और पिंचिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। पिंचिंग से हमें ये फ़ायदे हैं कि हम जो भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें अगर हम पिंचिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम ब्लूम ले सकते हैं, बहुत ढेरों फूल ले सकते हैं, इतने सारे ढेरों फूल ले सकते हैं कि हमें पॉट भी दिखाई नहीं देगा। तो पिंचिंग के बहुत फ़ायदे हैं, तो चलिए मैं आज आपको पिंचिंग के बारे में बता दूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये मैंने कुछ प्लांट्स ले रखे हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिसमें कि ये पिटूनिया है, कैलेंडुला है, ये है गेंदा, ये वर्बीना और ये क्राइजेंथिमम है जो जिसमें मैंने पिंचिंग की थी। अब इसमें बर्ड आ गई हैं और ये फ्लावरिंग होने वाली है इसमें, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें पिंचिंग की थी तो इसमें बहुत सारी बर्ड आ रही हैं। और इसमें भी मैंने पिंचिंग की है तो ये काफ़ी भर गया है, तो अगर ये, लेकिन अभी इसमें मैंने पिंचिंग नहीं की है तो ये अभी छोटा ही प्लांट है, तो ये मैं पौध लेकर आई थी नर्सरी से, तो अब इसमें ये बर्ड आने, छोटे से प्लांट में ही बर्ड आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये बर्ड आ रही है आपको, ये तो ये जो बर्ड हैं ये अभी और घना चाहते हैं कि पूरा ये गमला भर जाए हमारा, फूलों से भर जाए और पूरा पिटूनिया से ढक जाए ये, तो हमें ये बूसी अगर बनाना है तो हमें ये अभी इसको तोड़ना पड़ेगा। आप इसको पिंच कर दीजिए, इसको जितने भी फ्लावर निकल रहे हैं इनको आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो ये मैं कट किए दे रही हूँ, तो यही पिंचिंग कहलाता है। और जिससे कि अब जो अगली और ब्रांचिंग होगी और जिससे कि ये पूरा बूसी हो जाएगा और घना हो जाएगा। तो ये पिटूनिया की ये बर्ड्स बन रही थी, ये मैं कट किए दे रही हूँ। मैं आपको एक प्लांट में करके दिखा देती हूँ, इस तरह से आप अपने पिटूनिया के प्लांट में मैक्सिमम ब्लूम ले सकते हैं। तो जो बर्ड हैं, इस तरह की जो बर्ड हैं, इन्हीं को कट करना है, बाकी ये जो सूट निकल रही है इनको नहीं कट करना है, इनको नहीं कट करना है गलती से भी, नहीं तो आपको ये केवल बर्ड ही कट करनी है, बाकी सूट नहीं कट करनी है। अगर आप इसको यहाँ से कट कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्लांट फिर बढ़ेगा नहीं और बूसी नहीं होगा। तो आपको बर्ड केवल ओनली कट कर देनी कि अभी हमें बर्ड नहीं चाहिए। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके, जो भी बर्ड हैं वो कट करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करने करके और आप इसमें जो है खाद ज़रूर लगा दीजिए। कोई भी खाद हो आपके पास, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, मेरे पास इस समय गाय के गोबर की खाद है, मैं उसे लगा देती हूँ, तो वो आपको यहाँ पे इसमें ऐसे लगा देनी है और थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है जिससे कि हमारा प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और ये बूसी हो जाएगा। और जितना ज़्यादा बूसी होगा, जितनी ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम इसमें फ्लावर निकलेंगे। तो इस तरह आप पिटूनिया में कर सकते हो पिंचिंग। और बाकी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये पिंचिंग, ये मैंने क्राइजेंथिमम के प्लांट में पिंचिंग की थी। अब तो इसके फ्लावर ख़राब भी हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसे नीचे रख लिया था, आज आपको दिखाने के लिए मैं लेकर आई हूँ इसे। तो ये बहुत स्टार्टिंग में ही ये ब्लूम कर गया था, 15 दिन हो गए लगभग। तो इसको मैंने पिंचिंग करके, बहुत छोटी सी पौध लेकर आई थी मैं नर्सरी से, इसको मैंने जब 5-6 इंच की हो गई थी तब मैंने पिंच किया था इसे, तो ये बहुत सारी ब्रांचेज में बदल गई, इतनी सारी ब्रांचेज हो गई। फिर मैंने पिंचिंग की तो ये ढेर सारी फिर ब्रांचेज में कन्वर्ट होके और ढेर सारी बड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये पूरा बंच पिंचिंग करने की वजह से ये पूरा बंच एक गुलदस्ता सा तैयार हो गया। तो इस तरह से आप क्राइजेंथिमम में भी पिंचिंग कर सकते हो। और मैंने एक इस क्राइजेंथिमम के, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तब तक हमें समझ में भी नहीं आता है, और ये मैंने प्रैक्टिकली किया है तब मुझे अब आइडिया लगा है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी इस तरह की फ्लावरिंग देखती थी तो मैं सोचती थी, मैं फ्लावर शो वगैरह में जाती थी, कि इतने सारा मैक्सिमम ब्लूम कैसे हो जाता है, इतना घना कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन अब मैंने खुद पिंचिंग करके देखा है तो फिर मैंने इतनी सारी फ्लावरिंग अपने इस प्लांट से ली है। और इसी तरह मैंने इसको क्राइजेंथिमम के इस प्लांट में भी पिंचिंग कर रखी है। पहले मैंने यहाँ से पिंच किया था तो ये दो ब्रांचेज में कन्वर्ट हुआ था, एक ब्रांच इसकी टूट गई है गलती से, तो मैंने ये साइड में लगा दी है। और इस वाले ब्रांच को जब मैंने फिर पिंच किया तो ये फिर
इतनी सारी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गया और इसमें इतनी ये बर्ड आ गई हैं। जब ये एक साथ खिलेंगी तो पूरा एक गुलदस्ता हो जाएगा। अगर ये सेकेंड ब्रांच भी होती तो पूरा पूरा भर जाता ये। तो इस तरह से आप क्राइजेंथिमम में पिंचिंग कर सकते हैं। तो पिटूनिया में मैंने आपको बता दी, और इस तरह से पिटूनिया भी बुशी हो जाता है जब आप पिंचिंग कर दोगे। इसमें मैंने पिंचिंग कर रखी है, और अगर एक बार और कर दूंगी पिंचिंग तो ये पूरा भर जाएगा, पॉट ही नहीं दिखाई देगा। इसी तरह आप कैलेंडुला में भी पिंचिंग कर सकते हो। अगर ये छोटा सा प्लांट है तो आप इसकी बड्स को कट करके, आप इसकी बड को कट कर दीजिए। मैंने अभी इसको पॉट में नहीं लगाया है, अभी पॉट में लगाना बाकी है ये, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इसकी बड को कट कर दीजिए सब, और कट करने के बाद इसमें आप खाद लगा दीजिए, और लगाने के बाद इस तरह से ये पूरा बूसी हो जाता है। ये इस तरह से पूरा ये पिंचिंग से पूरा भर जाता है, और जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें बड्स आएंगे और ये पूरा फूलों से भर जाएगा। तो इस तरह से आप कैलेंडुला में भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या मतलब, कर सकते हैं। और ये है गेंदे का प्लांट, इसको भी आप पिंचिंग से, इसकी तो कटिंग से आप तैयार कर सकते हो गेंदे को। तो इसको आप यहाँ से कट कर दी, इसमें बड आ रही है। तो अगर आप छोटे से प्लांट में घना पूरा गुलदस्ता चाहते हैं तो इसे भी पिंच कर दीजिए, आप यहाँ से कट कर दीजिए इस तरह से कट कर दीजिए। ये मैंने कट कर दिया। अगर इस कटिंग को भी आप लगाएंगे तो भी चल जाती है। मैंने थोड़ी ज़्यादा छोटी कटिंग काटी है, आप थोड़ी सी बड़ी काटिए और ये चल जाती है। इसके बाद आप खाद डालना ना भूलिए, खाद ज़रूर डालिए गुड़ाई करके। आप इसमें साइड में थोड़ी सी जगह बना के, आपके पास कोई भी खाद हो तो, ये पिंचिंग करने के बाद आपको खाद ज़रूर देना है, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये मैंने इसमें खाद लगा दी है, और फिर थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। और इस तरह से आप गेंदे में भी पिंचिंग कर सकते हैं। ये है वर्बीना, तो वर्बीना में भी आप पिंचिंग कर सकते हैं। मैं इसको पूरा घना करने के लिए आप इसको भी कट कर सकते हैं, कि आपको अभी बड नहीं चाहिए तो आप इसको कट कर दीजिए तो ये पूरा भर जाएगा। ये काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है ना काटें, ब्लूम हो चुका है तो मन नहीं करता कट करने का। लेकिन अगर आप इसको बूसी चाहते हैं तो पूरा ही आपको कट करना पड़ेगा। ये सारी बड कट कर दीजिए, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इसे कट करते हुए। तो ये, लेकिन आपको बताना है तो मुझे कट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से कट किए दे रही हूँ, जिससे कि अभी हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए। तो मैं इसको, ये सारी जितनी भी बड्स आ रही हैं ये सारी कट किए दे रही हूँ। ये फिर इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी तो फिर ये पूरा घना हो जाएगा और भर जाएगा। इस तरह से मैंने सारी बड को कट कर दिया, और बस इसकी गुड़ाई कर देनी है, और आपको इसमें खाद लगा देनी है। खाद जरूर लगा देनी है। जिससे कि प्लांट नाराज ना हो, तो खाद इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह देनी होती है, जिससे कि हमारा प्लांट नाराज ना हो। तो इस तरह से ये हमने एक और बड रह गई, मैं इसे भी कट किए दे रही हूँ, जिससे कि ये घना हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्बीना में भी, अब मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कितने बूसी हो गए हैं प्लांट। तो इस तरह से आप पिंचिंग कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, और मैक्सिमम ब्लूम ले सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो, पिंचिंग का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।